फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। हम हिंदी की क्लास के अंदर देखिए क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम संज्ञा। क्या होती है संज्ञा, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है चौक। क्या है ये? चौक है। ये नोटबुक है, यानी कि आपकी उत्तर पुस्तिका, जिसके अंदर आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, ठीक है ना। और ये है आपकी किताब। ये आपकी किताब है, यानी कि पुस्तक, ठीक है। ये स्केल है। ये क्या है? ये स्केल है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है। इन सब का मैंने कुछ न कुछ नाम लिया है, उत्तर पुस्तिका, पुस्तक, चौक, डस्टर। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं शामपट। जी, और जिसके अंदर आप वीडियो अभी देख रहे हैं वो मोबाइल फोन। उस सारी की सारी चीजें जिनके मैंने कुछ न कुछ नाम लिए हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? नाउन। जिनके भी जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, वो सब की सब क्या है? संज्ञा है। जो भी वस्तु है और जिसका नाम है, वो सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। उसके अंदर हम पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, मनुष्यों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, जितनी भी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मसाले हैं, खाने की चीजें हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, हमारे जो फर्नीचर है, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, जितना फ्रिज, टीवी, वो सारे के सारे सबके नाम है कुछ ना कुछ, और वो सबकी सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो आपको पूरा यही समझना है कि संज्ञा क्या होती है। जिसका भी कोई नाम है, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है और जिसका कोई नाम है, वो भी क्या है? संज्ञा ही है। जैसे हम किसी किसी चीजों की महसूस करते हैं, कई चीजें हम महसूस करते हैं, जैसे सुंदरता। सुंदरता कई कई बार हमें दिखाई दे जाती है, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो सुंदरता भी एक भाव है। तो भाव है, इसका मतलब क्या है? वो नाम है। नाम है ना सुंदरता, मित्रता, खटास, मिठास। जैसे खटास है, खटास आपको दिखाई नहीं देगा, जब आप मुंह में कोई चीज खाएंगे तब आपको पता चलेगा ये तीखी है, मीठी है, कैसी है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कुछ चीजें हमें दिखाई देती है, कुछ नहीं देती है, लेकिन जिनके भी नाम है वो सब संज्ञा है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है। आपसे कोई भी पूछ ले कि संज्ञा क्या है, तो आप कोई संज्ञा के पांच उदाहरण दीजिए, तो आप किसी भी संज्ञा के उदाहरण दे सकते हैं। आपके सामने कोई चीजें पड़ी है उनका नाम ले सकते हैं। आपके सामने अगर पंखा है तो पंखे का नाम ले सकते हैं। आपके सामने टेबल कुर्सी है तो टेबल कुर्सी का नाम ले सकते हैं। कुछ बच्चे हैं तो बच्चों का नाम ले सकते हैं। आपके सामने कोई कपड़े हैं तो कपड़ों का नाम ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, वो सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब देखिए हम आज क्या करेंगे, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, यानी कि मैं, आप, जितने भी व्यक्ति हैं, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो पहले आप मैं लिखती हूँ, देखिए आपको परिभाषा। क्या है ये? संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव, ठीक है। और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर आपके मम्मी पापा का नाम हो सकता है, आपके दोस्तों का नाम हो सकता है। देखिए हम व्यक्ति देखते हैं पहले किस किस का नाम आता है व्यक्तियों में, ठीक है। आपके टीचर्स का नाम हो सकता है, अर्थात जो भी व्यक्ति है, आप जानते हैं ना व्यक्ति कौन होता है, उन्हीं के नामों को सबको क्या कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में वस्तु, वस्तु देखिए क्या होती है। वस्तु वे निर्जीव चीजें होती है जो खुद से चल फिर नहीं सकती, हम उनको अपने कार्य के अनुसार उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, वो होती है वस्तु। वस्तु के अंदर आप चौक ले सकते हैं, मेरे को चौक की आवश्यकता पड़ी है अभी लिखने के लिए तो मैंने इसको चलाया, ये खुद खुद नहीं चली। जैसे मोबाइल फोन है वो भी खुद खुद, जितने भी बिजली के आइटम है वो खुद खुद नहीं चलते हैं, वो सारी वस्तुएं आती है। खाने पीने की सामग्री भी वस्तुओं में आती है। तो आपको ये पता है कि जो चीजें खुद ब खुद अपना कार्य नहीं कर सकती, खुद ब खुद चल फिर नहीं सकती, निर्जीव चीजें जो है उन्हीं को हम कहेंगे वस्तु में लेंगे, ठीक है। इसके बाद में है स्थान। स्थान में आप हमारा लक्ष्मणगढ़, बगड़िया स्कूल, ठीक है, आपके घर, आपका घर और शहरों के नाम सीकर, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, इनके नाम भी आ सकते हैं। उसके बाद में है प्राणी। प्राणियों के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम। प्राणियों में क्या आएंगे, पशु पक्षियों के नाम आएंगे। जितने पशु पक्षी हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, शेर, चीता, जो भी है पशु, ये क्या हो गए पशु। उसके बाद में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया, जितने भी पक्षी है उड़ने वाले उनके सबके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए प्राणी। उसके बाद में आता है भाव। देखिए भाव क्या होता है, भाव वो एहसास है जो हम महसूस करते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, हम किसी से प्यार करते हैं, दिखाई नहीं देता है, मम्मी आपसे प्यार करती है, आपको महसूस होता है ना कि मम्मी मुझसे प्यार करती है, कोई शब्द नहीं है, आप बोलते हैं कई बार, और आपने कुछ खाया, इमली खाई तो आपको क्या लगी, खट्टी लगी तो खटास, और आपने लड्डू खाया तो आपको कैसा लगा, मीठा तो मिठास। ये सब चीजें जो होती है वो भाव में आती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम समझ गए कि संज्ञा क्या होती है। अब संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद में हम व्यक्ति लेते हैं। देखिए व्यक्ति सबसे पहले हम क्या लेते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति में क्या आता है, कौन कौन से व्यक्ति आएंगे व्यक्ति में, जैसे राम, मोहन, बच्चे, इस तरह के नाम क्या आते हैं, व्यक्ति आते हैं। दूसरी है वस्तु। वस्तु, वस्तु के अंदर क्या आएगी, चौक, पेंसिल, मैं इनको इजी इजी से बता रही हूं, जो चीजें आप जानते हो ना, पुस्तक, ठीक है, ये सब क्या होगी, वस्तु होगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्थान आता है। स्थान के अंदर स्थान, स्थान में आप कहेंगे लक्ष्मण, सीकर, हमारा में है सीकर जिले, और हमारी राजधानी कौन सी है, जयपुर। इस तरह हम शहरों के नाम, राजधानी के जो भी स्थानों के नाम है आप लिख सकते हो, स्कूल, स्कूल, विद्यालय ले सकते हो, ठीक है, बगीचा ले सकते हो। उसके बाद में आता है प्राणी। प्राणी कौन से होते हैं, तो उसके बाद
अंदर मात्राएं सीखी है, मात्राओं से शब्द भी मैंने आपको भेजे हैं वर्कशीट के अंदर। उसके बाद में हम सीखेंगे संज्ञा, ताकि हम संज्ञा से शब्द भी बनाना सीखें और हमें ये भी पता चले कि संज्ञा क्या होती है। अब तक आपने जितने भी मात्राएं उसे जो शब्द मैंने बना के भेजे थे आपको वर्कशीट के अंदर, वो भी सब क्या है, संज्ञा है, क्योंकि वो भी किसी न किसी के नाम है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे, ठीक है। भाव और प्राणी।